नम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं अपने नेता देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री धारा 370 हटाने वाले और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण करने वाले यशस्वी लोकप्रिय सर्वप्रिय मनप्रिय जनप्रिय अति प्रिय नेता आदरणीय अमित शाह जी को हम आमंत्रित करते हैं अपने आशीर्वचन से। हम सभी को अपना आशीर्वचन दें। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। भाई ऐसी आवाज नहीं चलेगी। 24 और 25 में मोदी जी के नेतृत्व में बनानी है क्या बनानी है तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प का मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के नेता श्रीमान सम्राट चौधरी जी, यहां के पूर्व सांसद और लोकसभा के सांसद, मेरे साथी मंत्री श्रीमान गिरिराज जी, श्री नित्यानंद राय जी, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, शिवराव साहेब पाटिल दानवे जी, सुशील मोदी जी, डॉक्टर संजय जायसवाल जी, प्रतिपक्ष के नेता भाई विजय कुमार सिन्हा जी, हमारे वरिष्ठ सांसद राधामोहन बाबू जी, श्री हरीश त्रिवेदी जी, श्री शंभूशरण पटेल जी, सुनील ओझा जी, नागेंद्र जी, तारकिशोर प्रसाद जी, बहन रेणु देवी जी, श्रीमान प्रेम कुमार जी, श्री नंद किशोर यादव जी, श्री मंगल पांडे जी, श्री शहनवाज हुसैन जी, श्री राजेंद्र गुप्ता जी, और आज नवादा की इस पावन भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज नवादा की ये ऐतिहासिक भूमि पर जिस प्रकार से जर्रे जर्रे पर आप लोग दिखाई पड़ते हैं, ये बताता है कि 2024 में फिर से एक बार मोदी जी बिहार में सभी की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। माताओं भाइयों बहनों, आज मैं लोकसभा प्रवास के तहत नवादा आया हूं। इसके पहले सुबह में जो सासाराम जाना था, महान सम्राट अशोक की जन्म जयंती के निमित्त एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था, मगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई, सासाराम में लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, टीयर गैस छूट रहे हैं, मैं वहां नहीं जा पाया। मैं सासाराम की जनता का यहीं से क्षमा मांगना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, मैं सासाराम जरूर आऊंगा, मेरे अगले दौरे में सासाराम में ही महान सम्राट अशोक की स्मृति में
एक सम्मेलन करने का काम हम करेंगे। भाई और बहनों, बिहार में मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि बिहार में जल्दी से शांति की स्थापना हो। सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं, बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है, आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। और मित्रों, जिस प्रकार की व्यवस्था यहां पर शासन में बनी है, मुझे बताइए, जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और ये महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। मित्रों, मैंने ऐसी स्वार्थी सरकार नहीं जब देखी है। एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है और लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनना है, इसमें बिहार की जनता को पीस रहे हैं। मैं आज लालू जी को भी कहने आया हूं, लालू जी, नीतीश बाबू को आप जानते हो, प्रधानमंत्री वो बनने से रहे, वहां जगह खाली नहीं है। देश की जनता ने तय किया है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नीतीश बाबू कभी आपके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आप भी गलतफहमी में हो, नीतीश जी भी गलतफहमी में है, मगर बिहार की जनता गलतफहमी में नहीं है। बिहार की जनता स्पष्ट रूप से निर्णय कर बैठी है कि बिहार की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी का कमल खिलने वाला है। और नवादा में भी नवल कमल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये सरकार है बुरी नीयत की, बुरी नीति की सरकार है, बेड सरकार है, भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, तीन मिलकर ये बेड सरकार बनी है। ये बुरी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। मित्रों, सरकार के सहयोगी जो है वो भी विधायक हर रोज नीतीश बाबू का विरोध कर रहे हैं, वो भी जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं। इनके आधे एमपी भाजप के दरवाजे खटखटा रहे हैं। और मैं पग एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों, बहनों,
माताओं भाइयों बहनों, आपके नारे बता रहे हैं, जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं ना? ऐसा ही होगा, चिंता मत करिए। ये जातिवाद का जहर गोड़ने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद, अब इन दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती। मैं बिहार की जनता को कहकर जाना चाहता हूं, मित्रों, ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। और साहब, सत्ता की लालच देखिए, लालू जी के बेटे ने नीतीश जी को सांप कहा, मैं फिर से बोलता हूं, सांप कहा, पलटू चाचा कहा, धोखेबाज कहा, लालची कहा, अहंकारी कहा, अरे गिरगिट तक कह डाला। मगर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बनने के मोह में आज उनके साथ चले गए हैं। इनके भ्रष्टाचार के कारण नवादा में खाद नहीं मिलता है, बीज की कालाबाजारी होती है। नवादा वालों चिंता मत करो, 24 के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद ये सरकार अपने ही वजन से घिरने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के कमल की सरकार बनने वाली है। आप जो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हो ना, वो मोदी जी ही कालाबाजारी और भ्रष्टाचार से आपको मुक्ति दिलाएंगे। मोदी जी ही बिहार में कानून और व्यवस्था ठीक करेंगे। मित्रों, बिहार के अंदर डेयरी की भी अनेक संभावनाएं पड़ी है। मोदी जी सहकारिता क्षेत्र में 2 लाख ग्रामीण डेयरिया बनाना चाहते हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद बिहार की हर पंचायत में कोऑपरेटिव डेयरी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, मोदी जी ने ये नवादा के विकास के लिए ढेर सारे काम करे हैं। किउल नवादा गया रेल लाइन 1292 करोड़ में, इसका दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन किया। वारिसलीगंज विधानसभा में नया रेलवे ओवरब्रिज बनाया। बख्तियारपुर से रजौली 4 लेन रोड निर्माण कार्य चल रहा है। नवादा से दिल्ली, लो मैं अभी बात कर रहा हूं और आवाज आ गई, नवादा से दिल्ली ट्रेन भी चालू कर दी गई है। नवादा से पावापुरी रेलवे लाइन का सर्वे का काम चालू हो गया है। पावापुरी से नवादा 33 किलोमीटर लंबा रेल खंड बनाने का काम भी इस सर्वे के बाद चालू होगा। इस्लामपुर नटेसर रेल खंड का काम पूरा कर दिया गया है। नवादा के रजौली में भर्रा गांव में सैकड़ों एकड़ बंजर जमीन में प्रधानमंत्री माइक्रो इरिगेशन योजना के तहत वन ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत खेती चालू हुई है। बिहार शरीफ से नवादा के लिए 4 लेन रोड बन चुका है। नवादा के वारसलीगंज में 132/33 किलोवाट का नया विद्युत सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन डाल दिया गया है। नवादा घाट से गमरा तक सड़क निर्माण का काम चालू हो गया है। नवादा के रजौली में 2000 मेगावाट परमाणु क्षमता विद्युत उत्पादन की योजना बन चुकी है
और इसके साथ मैं आज नीतीश बाबू को पूछना चाहता हूं, नीतीश बाबू आपके जीवन में आपने कई पार्टियां बदली है, कई लोगों को धोखा दिया है, मगर एक बार जिस यूपीए में आप गए हो, लालू प्रसाद जी के साथ गए हो, इसने बिहार को क्या दिया बताइए। 2009 से 14 में बिहार को सिर्फ 50,000 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया था। कितना दिया था मित्रों? 50,000 करोड़। और 14 से 19 में मोदी जी ने 50,000 से बढ़ाकर 1,09,000 करोड़ बिहार को देने का काम किया। ये मैं बजट के आवंटन की बात करता हूं। और कर के निर्धारण में 9 से 14 तक 1,36,000 करोड़ दिया था और मोदी जी ने 14 से 19 में 2,83,453 करोड़ दिया, दो गुना पैसा ज्यादा दिया है। मित्रों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बिहार में 8,70,00,000 लाभुकों को 2 साल से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। हर महीने 4.25 लाख मैट्रिक टन अनाज बिहार के गरीबों को मोदी जी मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, बिहार में 85 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया देने का काम हो रहा है। 1.1 करोड़, 1,10,00,000, माताएं बहनें जोर से ताली बजाए, 1,10,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 85 लाख लोगों को मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 लाख लोगों को आवास देने की योजना बनी है। 1,61,00,000 शौचालय बना चुके हैं। 1.5 करोड़ आवास में नल से जल पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे बताओ नवादा वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? मैं राज्यसभा में बिल लेकर गया, ये लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जदयू हमारे साथ थे, जदयू वाले फिर भी विरोध किया और कहने लगे मत हटाइए मत हटाइए, इस तुष्टिकरण की राजनीति के कारण आतंकवाद चलता था। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे अंत तक बोलिए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कि कांग्रेस, जदयू, आरजेडी, ममता, डीएमके सब इसका विरोध करते थे। मोदी जी ने एक दिन सुबह राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया और आसमान से भी ऊंचा राम मंदिर बनने की शुरुआत हो गई है। मित्रों, शुरुआत मोदी जी ने हमारी सांस्कृतिक धरोहर कई पुनर्निर्माण का काम किया है। और आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नदी की है, चिंता हो रही है सबको।
मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए, ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करे। हम तुष्टिकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, हमारे शासन में दंगे नहीं होते। माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर जाए भीड़ी भीड़ दिखाई पड़ती है। मुझे बताइए, बिहार की 40 की 40 सीटें मोदी जी को देंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है मोदी जी को दिल्ली में? जोर से बोलिए, देंगे क्या? हर सीट पर कमल खिलाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे, 2025 में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार लाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। वंदनीय मातृभूमि नवादा लोकसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान देश के ऐसी प्रधान गृह राज्य मंत्री, हम सबके अभिभावक, जिनके दिशा निर्देश में भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुरक्षित है, वैसे देश के ऐसी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का इस नवादा की धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं।